हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। और हम जा रहे हैं, रास्ते में हूँ मैं। आपको बता दूँ कि मैं जा रही हूँ धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। हम लोग निकल गए हैं वेकेशंस के लिए। 4-5 दिन का हमारा ये ट्रिप है। और मैंने घर से वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि बहुत सारे काम निपटाने थे, जल्दबाजी में मैं बना भी नहीं पाई और कुछ मुझे ध्यान भी नहीं रहा था। फिर मुझे अचानक अभी ध्यान आया कि मैंने इस पर कोई अभी तक अपडेट भी नहीं दिया है कि मैं कहीं जा रही हूँ वेकेशंस में, समर वेकेशंस में। तो अभी हम गाड़ी में हैं और सारा सामान हमारे साथ में ही है। मैं हूँ, हस्बैंड और दोनों बच्चे, बेटा और बेटी। हम लोग जा रहे हैं रास्ते में। रास्ते का व्यू है देखिए। और ये गए थे हम, 16 तारीख का वीडियो है ये। तो वहाँ जाके मैंने वीडियो अपलोड कोई नहीं करा था, यूट्यूब पर सिर्फ बना लिए थे। तो क्योंकि टाइम नहीं था बिल्कुल भी वॉइस ओवर वगैरह करने का। तो रास्ते में हम जा रहे हैं, तो आप भी देखिए कितना अच्छा मौसम है। इस दिन थोड़ी सी बारिश हुई थी दिल्ली में, तो थोड़ा सा देखिए आपको लग भी रहा होगा, हल्की फुल्की बारिश हुई थी दिल्ली में उस दिन। तो ये सैटरडे 16 तारीख का ही वीडियो है, 16 या 17 तारीख का वीडियो शायद ये, मेरे को इतना, हाँ जी 17 का ही वीडियो है। तो आप भी रास्ते को एंजॉय कीजिए। अभी हम जा रहे हैं बस, बस में जाएंगे वॉल्वो के लिए। हम जा रहे हैं आर के आश्रम और वहाँ से हम बस लेंगे धर्मशाला के लिए। फिर देखिए हम पहुँच चुके हैं, ये जो है आर के आश्रम है, यहाँ से जो है बसें चलती हैं। जब हम लास्ट ईयर मनाली गए थे तब भी हमने यहीं से बस ली थी वॉल्वो। तो अभी हम पहुँच चुके हैं बस के लिए। तो यहाँ पर देखिए बारिश हुई है तो कितना गीला गीला सा हो रहा है। और ये है जगह जहाँ से हम अभी अंदर जा रहे हैं। बस अभी जब आएगी तो उसका हमें पता चल जाएगा, तब तक के लिए हम वेटिंग में हैं। और वेटिंग के लिए हम अभी खड़े हुए हैं। सारा सामान देखिए, लगेज हमारे साथ में ही है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, कम से कम 15 से 20 मिनट हमने वेट किया था, उसके बाद बस आ गई थी। और काफ़ी बारिश हो रही थी, इस टाइम भी काफ़ी बारिश हो रही है, देख सकते हैं आप सबके। ये देखिए पैरों से पता चल जाता है अंदर आने से कि कितना गीला गीला हो रहा है। बाहर बारिश अभी भी हो रही है हल्की फुल्की। तो यहाँ पर देखिए सभी लोग वेट कर रहे हैं अपने बसेस का, क्योंकि वेकेशन से तो सभी लोग कहीं ना कहीं जाते हैं छुट्टियों में। तो यहाँ पर देखिए बसें लग गई हैं और अभी हमारी भी बस आने वाली है। तो जब बस आ जाएगी तो मैं दिखाऊँगी आपको अंदर से कि किस तरह से हमारी बस है। तो देखिए सभी लोग खड़े हुए हैं इंतज़ार में। तो यहाँ मेरे हस्बैंड देख रहे हैं कि हमारी बस कौन सी है। तो देखिए अब आ गए हम बाहर और हम जा रहे हैं अपनी बस में। हमारी बस लग चुकी है, पीछे है इन बसेस के, तो हम अपनी बस की तरफ जाएंगे। बस में सामान रख रहे हैं हम, जो बस में स्पेस होता है ना सामान वगैरह रखने का, लगेज वगैरह रखने का, तो वो रख रहे हैं हस्बैंड रख रहे हैं। और अब आ गए हैं हम बस में। बहुत अच्छा, मतलब इस बस में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हम ज़्यादातर वॉल्वो से ही जाते हैं जब भी हिल स्टेशन पर जाना होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं अपनी सीट पर बैठ गई हूँ और बड़ा अच्छा सा लग रहा है अंदर, क्योंकि बाहर जो ना बारिश के बाद थोड़ी थोड़ी सी ह्यूमिडिटी भी हो रही थी, गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पर अंदर आके अच्छा लगा, एसी बस है तो काफ़ी अच्छा सा फील हो रहा था। तो आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिएगा सफ़र को। और फिर तो यहाँ पर देखिए अभी रात में यहाँ बस रुकी है थोड़ी देर, जैसे किसी को कुछ खाना हो, चाय वगैरह पीनी हो या फ्रेश होना हो तो बस रुकती है। तो ये करनाल में अभी बस रुकी है, विवान होटल है, काफ़ी अच्छा लगा ये मुझे। काफ़ी इसके बाहर भी काफ़ी बढ़िया सा स्पेस था और बहुत साफ़ सफाई थी। जो बाथरूम वगैरह है वो भी अच्छे क्लीन थे यहाँ पर। तो इस जगह पर आकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एकदम बाहर भी खाने पीने का अरेंजमेंट है और अंदर भी बढ़िया सा है सब कुछ। तो हम बाहर ही रुके थे क्योंकि हमने हल्का फुल्का खाना खाना था रास्ते में। रास्ते के लिए खाना बनाकर मैं घर से ले गई थी, तो वो हमने जब बस में बैठे थे तो खा लिया था। और अभी फिर भूख लगी तो थोड़ा बहुत हमने कढ़ी चावल वगैरह और बच्चों ने सैंडविच वगैरह ले लिए थे, और कुछ मैंने पैक करा लिया है बेटे के लिए, उसके लिए, क्योंकि वो जो है जिम करता है, तो जिम जाता है तो उसको जिम के लिए कुछ खाना अलग से ही वो खाता है। तो यहाँ उसको मिल गया था अपने लिए कुछ, तो उसको पैक करा लिया था हमने। उसने कढ़ी चावल वगैरह नहीं खाए हैं, सैंडविच ज़रूर उसने खाया था। बाकी जो है हम अब जो है फिर बस की तरफ चलेंगे। अभी आप देखिए कितना प्यारा है ये जगह, व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का। Thank you.
हम पहुंच गए हैं अपने रिजॉर्ट में, और रास्ते में फिर मैंने आगे कोई वीडियो नहीं बनाया था। और ये देखिए, ये है हमारा रिजॉर्ट, बहुत ही ज़्यादा सुंदर रिजॉर्ट था ये, जो धर्मशाला है वहाँ पर, ये बिल्कुल टॉप पर था और बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू था हमारा, इतना मन लगा है। मैं हिल स्टेशन पे बहुत बार गई हूँ, मनाली, मसूरी, शिमला, बहुत बार गई, दो दो बार ट्रिप करे हैं हमने शिमला और मनाली के, लेकिन जो शांति मुझे धर्मशाला में आकर मिली वो कहीं नहीं मिली। मतलब सब जगह बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन धर्मशाला में एक बहुत ही ज़्यादा शांति का माहौल है, यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था आके। और ये देखिए हमारा रूम है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये रूम है, बहुत ज़्यादा सुंदर रूम था और इसका वीडियो मैंने बनाया। देखिए बेड है और ऊपर यहाँ स्टेयर्स हैं ऊपर जाने के लिए, वहाँ भी ऊपर भी एक बेड लगा हुआ है, मतलब पूरा फैमिली के लिए आप यहाँ पर आराम से रुक सकते हैं। जैसे चार लोगों की फैमिली होती है, हस्बैंड, वाइफ और बच्चे दो, वो आराम से यहाँ रह सकते हैं। और बड़े अच्छा स्पेस है यहाँ पर, बालकनी भी बहुत ज़्यादा बड़ी है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये जो होटल है। और इसका वॉशरूम भी बहुत ज़्यादा शानदार है, बहुत बढ़िया लगा मुझे यहाँ पर, बहुत ज़्यादा शांति है, बहुत अच्छा पीसफुल माहौल है यहाँ का। तो ये देख लीजिए यहाँ पे किस तरह का ये रूम है, आपको मैं दिखा रही हूँ। इस होटल में हम 4 से 5 दिन रहे और होटल में खाना भी हमने यहीं पे खाया है, लंच वगैरह, और लंच तो नहीं कर पाते थे, सॉरी, ब्रेकफास्ट और डिनर यहाँ पर किया है हमने। तो बहुत अच्छी इनकी सर्विस है, खाना यहाँ का बहुत ज़्यादा टेस्टी, आपको लगेगा ही नहीं आप होटल में खा रहे हैं, घर जैसा खाना लगता है। तो आप देखिए वीडियो को पूरा, मैं आपको दिखा रही हूँ बाथरूम वगैरह, तो इन्जॉय कीजिए किस तरह का ये रूम है। देखिए ये डाइनिंग स्पेस है, आप यहाँ चाहे तो बैठ के ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लंच या डिनर कर सकते हैं। बाहर का व्यू इस तरीके का है और हम सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर हैं, इसलिए मैं ये चीज़ें आपको दिखा रही हूँ, ऊपर वाले फ्लोर पर ही ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत ज़्यादा सुंदर होटल है और मुझे तो यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ये रिजॉर्ट भी बहुत ज़्यादा सुंदर है और बिल्कुल टॉप पर है ये धर्मशाला में, जहाँ हम रुके थे उस जगह पर ये सबसे ऊपर है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था यहाँ से देखने में। तो मैं जा रही हूँ रूम की तरफ और अभी आपको दिखाती हूँ आगे अंदर रूम में क्या क्या चीज़ें हैं। और इसमें जो बाथरूम मैंने आपको दिखाया था उसमें एक जो है ब्लाइंड लगा हुआ है, जो पर्दे की तरह, कर्टन की तरह होता है रूम और बाथरूम के बीच में। और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर का रूम जिसमें मेरा बेटा रुका था, ऊपर रूम नहीं मतलब एक स्पेस दे रखा है और ये पूरा वुडन का काम हुआ है, बहुत अच्छा फ्लोरिंग वगैरह बढ़िया हुई हुई है। और बेड है यहाँ पर ऊपर, इस पे जो है बेड पर मेरे बेटा और हस्बैंड इस पर ही सोए थे, और हम, मैं और मेरी बेटी जो है वो नीचे वाले फ्लोर पे जो बेड है उस पर, हम दोनों माँ बेटी उस पर ही सोए थे। तो देखिए इस तरह का ये बेड है और इस तरह का ऊपर देखिए रूफ है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में ये होटल, बहुत ही प्यारा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा सुंदर था। और ये ऊपर से मैं आपको दिखा रही हूँ नीचे का व्यू, बेड जो रूम है उसका व्यू दिखा रही हूँ इस तरह से, देखिए बहुत प्यारा था, बहुत शांतिपूर्ण रहा ये हमारा ट्रिप भी, और ये जगह भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। हम वापस आ चुके हैं वहाँ से, लेकिन अभी भी मन वही लगा हुआ है, इतना अच्छा हमें लगा था यहाँ पर। तो अभी चलते हैं नीचे, हम तो बड़ा संभल के चलना पड़ रहा था, बड़ी स्मूथ सीढ़ियाँ थी, तो पहले मैं नीचे आ गई हूँ, फिर मैंने दोबारा से कैमरा उठाया है। तो यहाँ पर देखिए जो ब्लाइंड लगा था बाथरूम में उसको डाल दिया गया है, क्योंकि बाथरूम जो है उसमें ये शीशा है और उस तरफ से बाथरूम जो है वो बिल्कुल क्लीन दिखता है, लेकिन ये ब्लाइंड दे रखा है जिससे जो है सेपरेट हो जाता है, तो बेडरूम से बाथरूम की तरफ बिल्कुल दिखाई नहीं देता। अगर ब्लाइंड को डाल देते तो पूरा टाइम ब्लाइंड रहता है जब तक कोई रुकता है रूम में। तो अभी आपको दिखा रही हूँ मैं बालकनी, देख सकते हैं कितनी बड़ी बालकनी है, और यहाँ पर भी अरेंजमेंट है कि आप चाय, कॉफ़ी या ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ बैठ सकते हैं, और यहाँ से पूरा जो है बहुत अच्छे से माउंटेन का व्यू दिख रहा है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत बड़ी जो है
बालकनी दी हुई है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा सुंदर यहाँ से पूरा माहौल है, माउंटेन का भी। और बड़ी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी क्योंकि बारिश हुई थी ना रास्ते में, तो यहाँ भी थोड़ी सी बारिश हुई थी जब हम आ गए थे। उसके बाद यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी एक दिन ही, जिस दिन हम पहुँचे थे उस दिन। तो यहाँ से देख लीजिए कितना प्यारा व्यू है। तो यहाँ तो मैं आपसे कहूँगी, आप कभी भी धर्मशाला आएँ तो इस रिज़ॉर्ट में ज़रूर से रुकिएगा। बहुत अच्छा रिज़ॉर्ट है, बहुत अच्छी सर्विस है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, बेल बटन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा लग रहा है। और एकदम ना हमारी हालत ख़राब हो चुकी है, एकदम थकावट हो रही है, मुझे बहुत ज़ोर से नींद भी आ रही है क्योंकि बस में हमने पूरी रात सफ़र करा। सुबह सुबह हम पहुँच गए थे मैकलॉडगंज, फिर वहाँ से हम यहाँ ही धर्मशाला के लिए हमने जो है कैब बुक करी थी, तो हम यहाँ पहुँचे। उसके बाद जो है नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी, और इतना अच्छा नरम बिस्तर देख के मुझे तो नींद आ गई। और जैसे मैं बैठी हूँ उसके बाद तुरंत में मैं यहाँ सो गई थी, ना मैंने चाय पी ना कुछ भी मैंने खाया। तो अभी मैं उठ गई हूँ, और मैंने अभी जो है शाम के शायद 4:30 बज रहे होंगे, मेरे हस्बैंड ने मुझे उठाया। तो अब लंच कर रहे हैं हम यहाँ पे, मैंने लंच में उपमा मंगाया है और बहुत ज़्यादा टेस्टी उपमा था। उससे पहले मैंने अभी अभी चाय भी पी है क्योंकि मैं सो गई थी। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।